Hey, bonjour everyone. आज के इस फ्रेंच लेसन का जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट सब्जेक्ट प्रोनाउंस इन फ्रेंच। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं फ्रेंच में? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। What subject pronouns are in English? तो इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं I, you, he, she, we and they। ये होते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट प्रोनाउंस। नाउ अब हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज कहां करते हैं? तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज करते हैं किसी भी नाउन को रिप्लेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्पीक्स फ्रेंच। अब मुझे राहुल को एक सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करूंगा राहुल को रिप्लेस करने के लिए? Obviously, मैं यूज करूंगा ही स्पीक्स फ्रेंच। तो अब मैंने यहां पर क्या किया, राहुल को रिप्लेस किया किससे? सब्जेक्ट प्रोनाउन से, यानी कि ही स्पीक्स फ्रेंच। तो चलिए अब सीखते हैं फ्रेंच में सब्जेक्ट प्रोनाउंस। हियर वी गो। je मींस आई। देन tu means you, then il means he, then l means she, then nu means we, then vu means again you, then il, that means they, and at the last is L. Again, that means is they. Tu and wo, दोनों का जो meaning है वो you है। Tu का use हम करते हैं singular person के लिए और wo का हम use करते हैं plural के लिए। Tu एक informal तरीका भी है किसी को you बोलने के लिए और wo एक formal तरीका है किसी को you बोलने के लिए। ट्यू आप यूज कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में या जो लोग आपसे उम्र में छोटे हैं, एंड यू कैन यूज वू विद द पीपल जो आपसे एज में बड़े हैं। अब आपके माइंड में दो डाउट आ रहे होंगे। पहला तो ये कि जो ही एंड शी है एंड दे है, इनको हम सेम तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। ही एंड शी और दे को हम सेम तरीके से प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच में, दैट मींस इल एंड एल। दूसरा जो डाउट है वो आपके माइंड में आ रहा होगा कि इल एंड एल, इन दोनों का मीनिंग भी दे है, वो कैसे? तो इल जो है, इल का हम यूज करते हैं मैस्कुलिन प्लूरल के लिए और एल का हम यूज करते हैं फेमिनिन प्लूरल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जगह पर कई सारे मेल्स हैं और मुझे बोलना है दे, तो मैं यूज करूंगा इल, और अगर उसी जगह पर फीमेल्स हैं और मुझे उनके बारे में बोलना है दे, देन आई वुड यूज एल। और अगर मान लो मेल भी है और फीमेल भी है और मुझे उनके बारे में बोलना है दे, देन मैं यूज करूंगा इल। तो ये थे सब्जेक्ट प्रोनाउंस फ्रेंच में। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट्स में लिख के भी जरूर बताना। और जल्द मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।